तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें आप भाग लेकर आप लैपटॉप मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्द से स्कॉलरशिप में रजिस्टर की और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहां इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जिसमें आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और इनाम जीतिए। तो नमस्कार, सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। गाइज, इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं में गणित के बारे में आपकी जो वार्षिक परीक्षा है 2022 उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस, मेरा नाम है रुपेश पांचाल और आप देख रहे हो ATI रुपेश पांचाल का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आपने देखा होगा अभी से यानी कि कल से एक पेपर वायरल चल रहा है जो कि दरअसल पूरा का पूरा फेक है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है, पूरे पूरे तर्क भी है, ठीक है, कि क्यों फेक है भाई। भैया उसको जो ना पूरा पूरा कॉपी किया गया पूरा पूरा, ठीक है, उस पर बिलीव मत कीजिएगा। अगर आज की इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हो तो आपके 4 अंक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं एक भी नहीं छूटेगा, पूरा पूरा मोस्ट बताऊंगा। आपके पास प्रश्न बैंक का ये पूरा पूरा जो पेपर है पूरा पूरा प्रश्न बैंक से बनेगा। लेकिन भैया आप प्रश्न बैंक को पूरी पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि भाई बहुत सारे पेजेस है उसमें, है ना, बहुत सारे पेजेस है, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो मैं उसमें से भी कम कर करके मान के चलिए बिल्कुल 30% यार, बिल्कुल 30%, यानी कि अगर उसमें एक पार्ट में अगर 10 प्रश्न होंगे ना तो मैं उसमें से सिर्फ आपको 2 प्रश्न बता दूंगा, दो में से एक आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। इससे क्या होगा, हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाया करेगी। अगर आप नहीं देखना चाहते हमारी वीडियो तो इसी वक्त स्किप करके चले जाइए और अनसब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पूरा आपको क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है, प्रॉपरली वॉइस आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पेपर है ना, ये देख सकते हो वायरल कर रहे हैं, पूरा पूरा बना करके निकलवा के बता रहे हैं आपको क्या कर रहे हैं, पूरा पूरा 2019 2020 और 2018 का पेपर में से निकाल करके प्रश्नों को और आपको दिखा रहे, एक उसमें से निकाल लिया, एक उसमें से निकाल लिया और इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर लिया। आप यार पागल मत बनो, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे, 4-4 नंबर वाले सबसे पहले, ठीक है। हमारी अब की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना यार, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट देख सकते हो, ठीक है। अगर आज की वीडियो का पूरा देख रहे तो यार तो आपके 4 नंबर वाले प्रश्न एक भी अगर कट गया ना तो मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है ना, मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, प्रश्न क्रमांक 6 नहीं, पहला मानना पे है ना अपन को, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, रुपये 7.5 रुपये प्रति है ना मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, इस पर सफ़ेदी करना है, क्या, छत पर और दीवारों पर, दीवारें होती है और छत होती है ना, उस पर क्या करना है, सफ़ेदी करना है। क्या करना है भाई, सफ़ेदी करना है। तो उसका आपको क्या याद करना है, व्यय ज्ञात करना है, कितना जो है व्यय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिख देंगे, जैसे सबसे पहले बी कितना हमारा, बी तो बी क्या है भाई, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो 4 मीटर, यानी कि यहाँ पर बी का मतलब है चौड़ाई, क्या है बी का मतलब चौड़ाई है। उसके बाद हाइट कितनी है भाई, 3 यहाँ पर देख सकते हो हाइट दी गई है ना। यहाँ पर आप चाहे तो एल मत लिख करके आप यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी लिख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर अगर आपने ये लिख दिया गया है तो आपको इसके नंबर मिल जाएंगे। अगर ध्यान सुनना बात को, प्रत्येक क्वेश्चन में अगर आप ये लिख देते हो कि दिया गया है तो आपको एक नंबर तो उसका फ्री का मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी आप आगे सोल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर लिख दिया है सबसे पहले, उसके बाद चारों दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका सूत्र आप यहाँ पर देख सकते हो क्या होता है, ये होता है 2 और कोष्टक में एल प्लस बी गुणा एच प्लस एल बी और मीटर स्क्वायर। ये सूत्र आपने याद रख लिया तो पूरा सवाल आपका सोल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 का 2 रख देना है, एल की जगह 5 रख देना है, देख सकते हो एल हमारा 5 है, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। बी का मान रख दो 4 है उसके, इसी प्रकार सभी के मान रख दो और फिर यहाँ पर सोल्व कर सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा आपका 74 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसका यहाँ पर आप देख सकते हो संवेदी कराने की प्रति वर्ग मीटर दर 7.50 रुपये है, ठीक है।
इसीलिए क्या हो जाएगा, सफ़ेदी कराने का कुल व्यय ये हो जाएगा, ठीक है ना। कुल व्यय क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारा ये निकल गया, इसका गुणा इसके साथ कर दो तो हमारा हो जाएगा 555 रुपये। कितना जाएगा भैया, 555 रुपये। आई होप कि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारे देख सकते हो, ऊंचाई आपको दी गई है ना, वाले एक लंब वृत्ति बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले माना कि आधार की त्रिज्या आर है और बेलन की जो ऊंचाई है ना कि हाइट है वो बराबर 14 सेंटीमीटर, जो कि हमें कोष्टक में लिख देना है दिया है। यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर कोष्टक में लिख देना आपको दिया है, इससे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिख देना दिया है कोष्टक में। उसके बाद आपको लिखना है तब। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद रखना है, अगर आपने एक सूत्र याद कर लिया तो आपको पूरा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने सूत्र यहाँ पर लगा चुके, देख सकते हो, होता है 2πRh, ठीक है। 2πRh हमने लगा दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा देख सकते हो ये कैसे सेंटीमीटर निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। दो रख दिया, उसके बाद हमारा पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7। कितना होता है, 22/7 गुणा आर, कितना हमारा आर का तो आर ही रहेगा। ऊंचाई रख देना अपना कितना है, 14, है ना। कितना है भाई, 14 ऊंचाई है। सोल्व कर लो बराबर, ठीक है, सोल्व कर लो, हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से 7 × 2 = 14, 2 बार में तो ये कट जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हो 44, तो यहाँ पर हो जाएगा 44 गुणा 2, कितना हो जाएगा, 4, 2 × 8 और 2 × 8 88। यहाँ पर देख सकते हो आंसर आ जाएंगे, इस प्रकार से सोल्व किया है डायरेक्टली इसने, जो सोल्व कर दिया है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इसने स्टेप नहीं बढ़ाई है। उसके बाद आपको डायरेक्टली करना है कि यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको रख देना है, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इधर जो है बराबर में आपको 2 × 22/7 फिर से ये मान रख देना है। इधर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना होगा, कितना ये निकला, ये इधर रख दो, उसके बाद इधर रख दो, ठीक है। ये पूरा मान, जैसे कि आपको 2 का 2 रख देना है, पाई का मान ये रख दिया, ठीक है, आर का आर, 14 का 14। उसके बाद आपको सोल्व कर लेना है, तो आधार का व्यास हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हो। उसके बाद हमारे ये इस प्रकार से 2 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा, पूरा पूरा आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोल रहा है बच्चों, क्या बोल रहा है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। बंद बेलनाकार टंकी देखी ना अपने स्कूल में, ऐसी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको जो दिया गया वो लिख देना है, आपको इसको इस पर नहीं जाना है, जो दिया वो लिख दो। क्या दिया गया हमें दिया गया यहाँ पर चादर से 1 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद व्यास दिया गया हमें 140 सेंटीमीटर। व्यास जो था ना, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, ठीक है। तो अगर हम त्रिज्या भी निकाले तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी अपने 140, और इसमें अगर 2 का भाग दे दो तो 7 × 2, है ना, 2 × 7 = 14, यानी 70 हमारे त्रिज्या निकल जाएगी। आर भी निकल गए, देख सकते हो, ये तो हमारे हो गया। अब इसमें हमारे हमको लगाना है, देखिए यहाँ पर ये लिख देना है, और इसको लिखने के बाद देखिए बराबर में लिख देना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र होता है ये 2πr और कोष्टक में r प्लस h, और देख सकते हो 2 का 2 पाई का मान लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्या r का मान हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, देख सकते हो पूरा अच्छे से पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, देख सकते हो, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको माना आर त्रिज्या है ना, देख सकते हो पूरा यहाँ पर सॉल्व किया गया, इतना सा बड़ा है, आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से। और अभी तक चलो सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लेना यार, प्लीज़ यार, आई रिक्वेस्ट यू यार, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़ यार। इधर दिया गया होगा, है ना, नीचे आपको लाल बटन दिया गया, सब्सक्राइब कर लो, घंटे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर रख लेना, ठीक है। यहाँ पर अगला देख सकते हो, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है, इस बर्तन में कितने की लीटर पानी आ सकता है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हो ये है क्या है, किसी शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आपको आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो आप, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन और इसका आंसर भी यहीं पर है, ठीक है। आंसर की ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला मोस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
अगला देखिए, अगला क्या है हमारा, उस लंब वृत्ती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी, सबसे पहला क्या देगा, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो, ऊंचाई ये हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले वाले का देख सकते हो, सबसे पहले वाले का क्या है, ये उत्तर है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, ठीक है, ये होता है। उसके बाद ये पूरा मान रख दो, उसके बाद ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा है, त्रिज्या यहाँ पर दी गई है और ऊंचाई यहाँ पर दी गई, तो दूसरा वाला आपको कर देना है। दूसरे वाले में भी सर जो दिया गया है वो लिख दो, सूत्र लगाओ, सूत्र लगाने में आपको मान रख दो, पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल है, ठीक है। अगला क्या हमारा, अगला है यहाँ पर, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है ना। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसका आंसर आप अच्छे से नोट कर लेना। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा लंबा आंसर है, देख सकते हो, ठीक है। और इन सभी को आप चाहे तो डेली लर्निंग ऐप पर सीख सकते हो, डेली लर्निंग पर भी वीडियो आने लग जाएंगी, ठीक है। अगला क्या है हमारा, अगला प्रश्न बोल रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं, पहली तो है 8 सेंटीमीटर, दूसरी है 11 सेंटीमीटर है, और जिसका परिमाप जो है ना वो 32 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया गया है। तो उसके आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है, दिया है ये लिख देना है कि भाई ये दिया गया, क्या दिया गया है आपको, ये लिख देना, दो भुजाएं दी गई है और इसका परिमाप दिया गया, ये अगर आपने ये लिख दिया तो आपको एक नंबर तो मिल ही जाएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको फ्री में नंबर मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है अगर आप उसमें ये लिख दो जो दिया गया, मन से अगर करते जाओ तो हो सकता है एग्जामिनर आगे देखे ही नहीं, वो जान लो भाई बंदा पढ़ने वाला होगा, है ना, ऐसा भी सोच सकते हैं। लेकिन ये तो आपके स्कूल में कॉपी चेक होगी, ये कोई बोर्ड नहीं है, ठीक है। अगला देख सकते हैं यहाँ पर, इसका पूरा आंसर यहीं तक रहे, है ना, इसको आपको नहीं लिखना, ये मोस्ट नहीं है, इसके बाद ये है, ठीक है। अगला मोस्ट कौन सा है, ये है, एक त्रिभुजाकार भूखंड यानी कि प्लांट की भुजाओं का अनुपात आपको दिया गया 3:5:7 है, और उसका परिमाप आपको 300 मीटर है, ठीक है। इस भूखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले मानना आपको जो दिया गया पूरा सोल्व करना है। मैं अपने जो फेस है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, देख सकते हो आप, ठीक है, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो चुका हमारा, यहाँ तक रहेगा इसका आंसर, ये वाला मोस्ट नहीं है, ठीक है। अगला मोस्ट ये है, ठीक है, ये वाला क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात आपको ये दिया गया है 12:17:25, ठीक है, और उसका परिमाप आपको 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर आपने एक मेथड से एक सवाल को सीख लिया तो मेरी 100% गारंटी कि आप हर सवाल कर लोगे, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, पूरा अच्छे से, इसी एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, ठीक है, स्टेप पूरे रखना है ऐसे का ऐसा ही, ठीक है, तभी जाकर के आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अगला देखते हो, अगला क्या है, अगला हमारा दिया गया है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए, कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। तो देख सकते हो सबसे पहले तो रचना के चरण आप यहाँ पर देख सकते हो, किरण यहाँ पर क्या खींची, किरण नहीं भाई, यहाँ पर आपको एक रेखा खींचनी है ना, एक रेखा यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, OA, दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर पूरा देख सकते हो, इसमें आपको जो है प्रकार वकार की भी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। रचना का चरण लिख देना है, उसके बाद स्पष्ट है ये आपको लिख देना है, यानी कि रचना का औचित्य, ठीक है, देख सकते हैं आप पूरा। उसके बाद अगला यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छे से लगा लेना, और इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और अभी तक आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, मेरा यूज़र नेम है Rupesh5437, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला है, और इसका आंसर भी यहीं पर मिल जाएगा आपको, देख सकते हो आप, ठीक है, ये भी रहा इसका आंसर, ठीक है, ये देख सकते हो। अब अगला यहाँ पर आता है हमारा, अगला प्रश्न ये देख सकते हो, ठीक है, एक चतुर्भुज के कोण आपको दिए गए हैं, ये के अनुपात में हो तो इस चतुर्भुज के सभी कोण, है ना, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा, ये देख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला यहाँ पर देख सकते हो, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाए कि वह एक आयत है, ठीक है, क्योंकि आयत में वही होता है, विकर्ण बराबर होते हैं तो आपको वह दर्शाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दिए गए हैं, ठीक है, इसका आंसर ये है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, दर्शाइए कि एक वर्ग, ये वाला है, ठीक है, आपको दर्शाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा को पूरा, ठीक है, बाकी आप पूरे यहाँ पर आंसर देख सकते हो, ठीक है भैया, देख सकते हो यहाँ पर पूरा यहाँ से भी देख लीजिएगा, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा का पूरा, ठीक है। और इधर से भी रहा थोड़ा बहुत, और ये देख सकते हो, ठीक है, देखिए ये, ठीक है, इतना और इसका। चलिए अगले मोस्ट आईएमपी पर चलते, ये देख सकते हो आप, है ना, और इसका आंसर भी यही है, ठीक से, ठीक है, ये देख सकते हो पूरा पूरा आंसर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये रहे पूरे पूरे आईएमपी क्वेश्चन। अगर आप इन सभी को याद कर लेते हो तो आपके 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है एक भी मिस नहीं होगा, सारे के सारे इनमें से आने वाले हैं। तो यार फटाफट से देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बाकी के 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 1 अंक वाले भी हम डालते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।